तो अजय भैया वैसे पेशे से पत्रकार हैं, और मोहिनी दीदी के साथ भैया अटल भूजल योजना जो है उसी में इस जो गवर्नमेंट की जो एक योजना है जो ग्राउंड वाटर लेवल के बारे में, उसमें भी अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। तो अभी मैं अजय भैया को आमंत्रित करता हूँ कि भैया अपनी बात को रखें। भैया ओवर टू यू। जी, सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। अभी भाई साहब ने मेरा परिचय दिया है। मेरा नाम अजय यादव है और मैं छतरपुर जिले में निवास करता हूँ और यहाँ लगभग 22 वर्षों से छतरपुर में हूँ। मेरा जन्म स्थान जिला सिवनी का है और जब से फादर का यहाँ ट्रांसफर हुआ है तब से हम लोग यहीं छतरपुर में बसे हैं। पत्रकारिता को मैंने बहुत ज्यादा जिया है, बहुत ज्यादा पत्रकारिता यहाँ पर की है। करीब 15 साल हो चुके हैं मुझे। और दूसरे पॉइंट में मैं अपना रखना चाहूंगा कि सुबह के सत्र में जिन पर मेरी गति बनी है, मानव रूप में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि मैं पहले जो मेरे जो अंदर काफी ज्यादा कौतूहल था, काफी ज्यादा भागदौड़ थी, लोगों से मिलने की काफी ज्यादा इच्छा थी, धन कमाने की एक बहुत बड़ी लालसा थी और एक नाम बनाने की, तो उस स्थिति से मैं निकल पाया हूँ 2015 के बाद से, जब से मैं यूएचबी को सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ आदरणीय श्री भगवान सिंह परमार और अरुणा भाभी के सानिध्य में। तो मुख्य रूप से मैंने जो जाना है इंसान को, इंसानियत को, मानवता को और स्वयं को, और उस जानने की कोशिश में अभी लगभग 3 साल से और मेरी प्रगाढ़ता बन रही है। दूसरा जो पॉइंट है प्रकृति का, इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति से बहुत ज्यादा अटैचमेंट, प्रकृति को बहुत ज्यादा नजदीक से देखना भी मुझे आदरणीय भगवान सिंह परमार जी भाई साहब ने बताया। पहले पहाड़ों को, पौधों को या जंगलों को देखकर वो अटैचमेंट नहीं था जो भाई साहब ने बताया कि ये पहाड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और असली जो जीवन का आनंद है इन पहाड़ों के साथ ही है, इन प्रकृति के साथ है। ये बात स्पष्ट उस वक्त भी नहीं हो पाई थी क्योंकि सुनने में अजीब लग रहा था, समझ नहीं पा रहे थे। अस्तित्व की भी चर्चा उन्होंने की थी कि हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारी मूल चाहना है, वो प्रकृति है, मानवता है, सुख है, निरंतर सुख है। लेकिन जैसे जैसे हम यूएचबी से जुड़े, हमारे मानवीय आचरण में जो परिवर्तन हुए हैं वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभ्यास एक की, जिसका फर्स्ट स्टेप है कि मैं स्वयं से अब स्वयं को देख रहा हूं। मेरी कल्पनाशीलता जो बहुत ज्यादा फैली हुई थी, मेरी कल्पनाशीलता में जो बहुत ज्यादा भाव थे, विचार थे, अब उनको मैं देख पा रहा हूं बिना किसी अवरोध के, बिल्कुल सहजता से। दूसरा जो पॉइंट है, कभी-कभी मैं कल्पनाशीलता में रहते हुए बहुत ही सहज महसूस करता था और कभी बहुत असहज हो जाता था। कभी मेरे अंदर अंतर्द्वंद चलता था और कभी कुछ समय के लिए मैं आराम की स्थिति में चला जाता था। ज्यादातर सम्मान पाने का एक भाव रहता था, ज्यादातर मैं ऊंचाइयों को छू लूं, ऐसे मेरे अंदर भाव चलते थे। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरे अंदर सहज और असहज का भाव चल रहा है, वो कल्पनाशीलता है, उसको भी मैं बहुत आसानी से देख पा रहा। कल्पनाशीलता के कारण जो कभी कभी हम सुखी हो रहे हैं, कभी कभी हम दुखी हो रहे हैं, इसको भी बहुत स्पष्टता मेरी बन रही है कि मेरी कल्पनाओं के कारण ही मैं सुखी और दुखी होता। और इसका निर्णय जो कभी लगता था कि हमें कोई बाहर से सूचना है वो दे रही है,
या कोई घटना है जिसके कारण हम बहुत दुखी हैं, तो ऐसा नहीं है। बाहरी जो सूचनाएं हैं, बाहरी जो घटनाएं हैं, वो केवल एक ट्रिगर का काम करती है। हमारे अंदर जो सुख और दुख होने का कारण है, उसका निर्णय मैं ही लेता हूं। इस बात को भी मैं समझ पाया हूं। मेरी ये तीसरी शेयरिंग है और इन तीन शेयरिंग में मैं अभी तक सीख रहा हूं। इन अभ्यासों को मैं लगातार अभ्यास में नहीं ला पाता हूं, क्योंकि कभी कभी हमारी ड्यूटी बाहर हो जाती है, कभी हम ऐसी जगह होते हैं कि नेटवर्क में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कुछ पढ़ने को सुनने को मिले तो मैं कुछ अपनी समझ को और बढ़ा पाऊं। अगले पॉइंट में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो आधार होता है हमारे निर्णय लेने का, सुखी होने का, दुखी होने का, तो इसका आधार हमारी मान्यता है या फिर सहज स्वीकृति है। हम जो सुखी दुखी होते हैं, इसका आधार भी हमारी मान्यता है या सहज स्वीकृति है। तो ये भी मैं जान पाया हूं इन शेयरिंग के दौरान, इन अभ्यासों के दौरान, कि इसका जो मुख्य आधार है वो सहज स्वीकृति है। सहज स्वीकृति के आधार पर ही हम कोई निर्णय ले पाते हैं। छठवां जो स्टेप है, उसमें हमने जाना है कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व में, इन तीनों में रहकर ही हमें बहुत सहज लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब भी हमारे अंदर किसी के लिए विरोध या हम बहुत ही अव्यवस्था महसूस करते हैं या हम संघर्ष में रहते हैं, तो ये वाली स्थिति बहुत कम समय के लिए बनती है। हमारे अंदर जो निरंतरता है वो बनती है संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व में। तो इस छठवें स्टेप को मैं ऐसा देख पा रहा हूं। सातवें स्टेप में मैं बताना चाहूंगा कि जब मुझे ये सब स्वीकार है, संबंध में रहना मुझे अच्छा लगता है, व्यवस्थित रहना मुझे पसंद है और सहअस्तित्व को मैं जान रहा हूं, तो क्यों ना मैं इसी के लिए काम करूं, क्यों ना मैं इसी में अभ्यासरत रहूं, विरोध से, संघर्ष से बाहर निकलूं, अव्यवस्था से बाहर निकलने की कोशिश करूं। तो ये सातवें स्टेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी ये स्थिति बनी और अब मेरा मन, विचार और कर्म, ये तीनों चाहते हैं कि अब मैं स्वयं को समझने के लिए प्रयासरत रहूं, स्वयं को समझने के लिए अभ्यासरत रहूं। इसलिए मैं मॉर्निंग सेशन में जुड़ता हूं और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे माताजी, पिताजी, मेरी धर्म पत्नी, मेरे बच्चे सभी इससे जुड़ने की लिए प्रयासरत रहते हैं, लेकिन अभी छोटे भाई की शादी थी तो इस कारण तमाम तरह की जो रस्म व रिवाज होते हैं उसमें वो व्यस्तता के कारण जुड़ नहीं पाए हैं, नहीं तो बाकी जो पिछली दो शेयरिंग है उनमें वो जुड़े हैं। अगली मैं जो बात करूंगा सेकंड स्टेप की, जिसमें सेल्फ और बॉडी को लेकर मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। जो पहला स्टेप है उसमें मैं और स्वयं और शरीर, सेल्फ और बॉडी, ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। इनको मैं देखने में अब बिल्कुल मेरी स्पष्टता बन गई है कि मैं जो मेरा सेल्फ है और बॉडी जो शरीर है, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं, ये मैं अब देख पा रहा हूं। दूसरा, इन दोनों में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है वो भी मैं देख पा रहा हूं कि सेल्फ में और बॉडी में जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान हो रहा है। जैसे कोई हमें अपशब्द कहता है तो एक हमें अलग सूचना मिलती है, हम उसे अलग अर्थ देते हैं, और जैसे कोई कोयल की ध्वनि है तो वो भी एक सूचना है, हम तक ध्वनि के माध्यम से पहुंचती है और हम उसे एक अलग अर्थ देते हैं। तो ये मैं देख पा रहा हूं। तीसरा है, इन सूचनाओं का जो निर्णय लेने का आधार है वो भी मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि वो बॉडी नहीं लेती है, मैं लेता हूं, जिसे हम सेल्फ कहते हैं।
और जिन सूचनाओं को चाहता हूँ उन्हीं सूचनाओं को मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उनमें बना रहता हूँ। ये तीसरे स्टेप से मुझे क्लियर हुआ है। चौथे स्टेप में बॉडी और सेल्फ के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, निश्चित दूरी है, यह भी मैं देख पाया हूँ। सेल्फ और बॉडी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ पाया हूँ। पांचवें स्टेप में बताना चाहूंगा कि जो बाहरी सूचना है उसको मैं क्या अर्थ देता हूं। दूसरे की मान्यता के आधार पर यदि मैं निर्णय ले रहा हूं तो वो परतंत्रता की श्रेणी में आता है, और यदि मैं सहज स्वीकृति के आधार पर निर्णय लेता हूं तो वो स्वैच्छिक स्वतंत्रता के आधार पर आता है। तो पांचवें स्टेप में मेरी ये समझ बिल्कुल स्पष्ट बनी है कि हमें जो भी निर्णय लेना है वो सहज स्वीकृति के आधार पर ही लेना है, स्वतंत्रता के आधार पर लेना है। छठवें स्टेप में मैं बताना चाहूंगा कि हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं या विरोध में रहते हैं या किसी मान्यता के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, स्वयं के आधार पर निर्णय लेना है या सहज होकर निर्णय लेना है, ये इस पर भी मेरी स्पष्टता छठवें स्टेप में बनी है कि प्रतिक्रिया और विरोध में निर्णय लेना या फिर बहुत ही सहज होकर बहुत ही आसानी से निर्णय लेना, किसमें हम बहुत ही आसान या बहुत सहज महसूस करते हैं, ये मेरी छठवें स्टेप में बहुत अच्छी बात बनी है। और सातवें स्टेप में बताना चाहूंगा कि मेरे और शरीर के मध्य में जो दूरी है, शरीर और जीवन दोनों अलग-अलग हैं और शून्य के माध्यम से ही दोनों में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, और इन सब में हमारा जो शरीर है वो केवल एक उपयोगी साधन के रूप में है। इन दोनों अभ्यासों में अभी मैं इतना ही देख पाया हूं, और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि आचरण में जो सुधार हुआ है इन जो तीन शेयरिंग के बाद, जो मैं कह सकता हूं कि अब जो हमारा शुरू करूं मैं यदि हमारे परिवार से, पति पत्नी संबंध से, तो शादी के बाद से जब दो विचारधाराएं मिलती हैं तो द्वंद होते हैं, मतभेद होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं, लेकिन कुछ संस्कार थे कि हम 3-4 साल बचे रहे, और कुछ यूएसबी का पुण्य प्रताप रहा कि हम उन संबंधों को अभी तक बचा पाए, अब उनका आनंदमय पूर्वक उनको हम जी रहे हैं, क्योंकि जब तक यूएसबी नहीं थी तब तक ये जो लड़ाइयाँ थी वो स्टेज दर स्टेज बढ़ती जा रही थी, रोज नए नए टॉपिक्स पे झगड़े होना, रोज रोज नई बातों पर झगड़े होना, और झगड़े इस हद तक बढ़ जाना कि बात अलग होने तक आ जाए, कि शादी के बाद संबंध विच्छेद तक आप पहुंच जाए, आपकी बात कोर्ट कचहरी तक होने लगे, तो ये एक बहुत अशोभनीय और बहुत ही बड़ा कर्म था जो हमारे द्वारा होने वाला था, लेकिन आदरणीय भगवान सिंह परमार जी और भाभी जी के सहयोग से हमारे बार बार काउंसलिंग हुई, हम लोग बार बार यूएचबी से जुड़े, यूएचबी के मेन कॉन्सेप्टों को समझा, इसकी क्लासें ली, तो आज हम कह सकते हैं कि हम पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्नेह रखते हैं, हमारी रोजाना बातें होती हैं और छोटी छोटी बातों को हम शेयर करते हैं, नहीं तो पहले ये बिल्कुल नहीं था, करीब 24 घंटों में कहो 24 सेकंड भी बात ना हो, तो ये एक बड़ा बदलाव हमें पति पत्नी संबंध में देखने को मिला है, और हमारे जो बच्चे हैं उन पर भी हमारे इन लड़ाइयों का बहुत प्रभाव पड़ा है, लेकिन अब यूएचबी सेशन से जुड़ने के बाद, यूएचबी को समझने के बाद, अब वो बच्चे एक अच्छे माहौल में जी रहे हैं, एक अच्छी समझ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम उन बच्चों को भी अब समय देते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि हमें
समाज में कैसे प्रस्तुत होना है, आपको अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कैसे प्रस्तुत होना है, कैसे अपनी भावनाओं को रखना है, क्या आपको बात करना है। तो इस तरीके से छोटी छोटी परिवार सभा हम अपने घर पर ही करने लगे हैं, जिसमें हमारी माताजी, पिताजी, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, ये सब बैठते हैं, सुनते हैं, प्रश्न करते हैं। तो ये परिवार सभा भी हमारे घर से छोटे रूप में शुरू हुई है। और अब मैं बात करूं अपने कार्य क्षेत्र की, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है यूएचवी के माध्यम से। तो इन 15 सालों में जो एक पत्रकार की छवि को मैंने देखा है, पत्रकारिता को मैंने जिया है, तो इसमें एक भागम भाग रहती है सूचनाओं की, कि हम सबसे पहले उस खबर को पूरा कैप्चर करें, उस खबर को हम लिखें, वो खबर चाहे जैसी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, बिना इस बात को सोचे केवल अच्छी अच्छी हेडलाइन बनाकर उसे हम प्रस्तुत करने के प्रयास में लगे रहते थे। चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, बच्चों में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की बिना परवाह किए हमने अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। लेकिन जब से हम यूएचबी से जुड़े और यूएचबी को समझा, तो हमें लगा कि हम क्यों ना ऐसी पत्रकारिता करें कि लोगों के बीच केवल सकारात्मक न्यूज ही पहुंचे, क्योंकि नेगेटिव जो न्यूज है उसके लिए तो काफी सारे पत्रकार हैं, काफी सारे अखबार हैं। अभी कुछ अखबारों ने केवल मंडे को एक दिन चुना है जो केवल मंडे पॉजिटिव ही खबर रखते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने 7ों दिन पॉजिटिव न्यूज रखने का ये संकल्प लिया है, और मेरे द्वारा विगत 3 वर्षों में कोई भी नेगेटिव न्यूज ना ही लिखी गई है और ना ही उसे प्रेषित किया गया है। मैं सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही लिखता हूँ, पॉजिटिव थॉट्स ही रखता हूँ। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन के कारण जो पत्रकारिता जगत में हमारे जो साथी हैं उनमें भी एक प्रश्न उठा है कि ये बदलाव कैसे हुआ है, कैसे आपने ये जो पत्रकारिता की भागदौड़ है इससे अपने आप को दूर रखा है, और उसके बाद भी आप पत्रकारिता में बरकरार हैं, आपका समाज में निमंत्रण है, आपका राजनीति क्षेत्र से भी आपका न्योता है, उसके बाद भी हम लगातार मानवीय मूल्यों में ही काम कर रहे हैं, संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व में बने हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बदलाव, एक बहुत अच्छा चेंज देखने को मिला है। आगे मैं अपनी बात को बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा कि प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध था वो केवल दूरगामी था, दूरदर्शी था, लेकिन प्रकृति के साथ जो एक आत्मीयता बढ़ी है वो अब और ज्यादा प्रगाढ़ है, और ज्यादा गाढ़ी हुई है, और जिसका एक सबसे अच्छा परिणाम मुझे अटल भूजल योजना में मिला है, कि अब मैं अपने घर से, परिवार से पहले जो दूर नहीं रह पाता था एक दिन दो दिन भी, अब मैं हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों और सालों तक बाहर रहने के लिए, प्रकृति के साथ रहने के लिए, प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने में मुझे कामयाबी हासिल हो रही है। मैं इन पेड़ पौधों को, नेचर को, धरती को, जल को बहुत करीब से देख पा रहा हूँ, और जनता के साथ जो संवाद था जिसमें जुड़ाव स्थापित नहीं होता था, जो हमारी जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम हैं, उस आधार पर हम जनता से बात करने में थोड़ा सा कतराते थे, उस असहजता को सहज बनाया है ह्यूमन वैल्यू ने। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से मानवीय मूल्यों के आधार पर बात करते हैं, मानवता से जुड़ने के आधार पर बात करते हैं, तो वो हमसे बहुत ज्यादा जुड़ते हैं और लंबे समय तक जुड़ते हैं। जब हम वहां से अपना काम खत्म करके घर वापस लौट आते हैं, तब भी उन गांव से, उन क्षेत्रों से कॉल आते हैं। छतरपुर जिला और पन्ना जिला मिलाकर लगभग 160 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर हमने 300 से ज्यादा प्रशिक्षण दिए हैं। तो वहां से कॉल आना, वहां से ग्रामीणों के द्वारा पूछा जाना और अपने संबंधों में हमें बुलाना, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट हमें यूएचवी के माध्यम से मिला है।
और सबसे बड़ी बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, पड़ोसी और रिश्तेदारों की, कि जब तक पति पत्नी में लड़ाइयां थी, संघर्ष था, विच्छेद था, तो पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को नई नई न्यूज़ मिलती थी, नए नए टॉपिक्स मिलते थे बात करने के लिए, जो अब यूएचबी के माध्यम से कम हुए हैं। तो अब वो पड़ोसी और रिश्तेदार भी हमसे पूछते हैं कि वो क्या कारण है जिनसे आपकी ये जो लड़ाइयाँ थी काफी कम हुई हैं, आप लोगों के बीच ऐसे क्या बदलाव हुए हैं, आप कौन सी ऐसी विद्या से जुड़े हुए हैं जो आपके बीच अब इतना स्नेह है। तो अब हमारे बीच यूएचबी एक ऐसा माध्यम बन गया है जो हमारे पूरे वायुमंडल में हमारे साथ लगभग 24 घंटे रहता है। हम भले ही सुबह के सेशन से कभी नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन हमारे जो वायुमंडल में जो वाइब्रेशंस हैं, जो शुभकामनाएं हैं, जो हमें हमेशा प्रेरित करती हैं, हमें उत्साहित रखती हैं, हमें कभी दुखी नहीं होने देती, वो यूएचबी ही है। और वो जो पड़ोसी हमारे कभी झगड़ों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, अब वो हमारे स्नेहिल संबंधों को सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि अब हम पति पत्नी नए नए तरीके से समाज में प्रस्तुत हो रहे हैं। यूएचबी के जो संदेश हैं, मानवता के संदेश हैं, संबंध के संदेश हैं, उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। कभी कभी मुझे भी ताज्जुब होता है कि हमारी जो धर्म पत्नी है वो हमें कुछ बता पा रही है यूएचबी से रिलेटेड, जो वो कुछ नए आइडियाज मोहल्ले में पड़ोस में करती हैं और उनका एक पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिलता है। आगे मैं अपनी बात बढ़ा तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, जिसमें हमारे संबंधी हैं, वो सब भी अब इस यूएचबी को जानने के लिए उत्सुक हैं, और हमारी उनसे चर्चा भी हुई है। उन्होंने भी कहा है कि हमें भी यूएचबी से आप जुड़वाइए, हम भी इसके साथ अपने विचारों को और ज्यादा प्रगाढ़ता और ज्यादा विकास देना चाहेंगे। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि यूएचबी के लिए जो मेरा डेडिकेशन है, जो मेरी दृढ़ता है, संकल्प है, वो मेरी वीडियो एडिटिंग के लिए है। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं यूएचबी लिविंग सेंटर, जो छतरपुर जिले के नौगांव में स्थित है, वहां पर मैं जाता हूँ, और जो भी वीडियोस होती हैं उनको बनाने का मैं सहायता करता हूँ। फिर वो जेल से जुड़ी हुई वीडियो हो, जहाँ पे कैदियों के बीच हम पहली बार जेल में पहुंचे थे और उन कैदियों के साथ हमने अपनी बात रखी थी, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा था कि कोई व्यक्ति ऐसा बदलाव ले सकता है। मैंने भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि मैं भी एक अपराधी, एक क्रिमिनल हो सकता था यदि यूएचबी मेरे साथ ना होती। और एक रिंग सेरेमनी भी हुई थी जो प्रकृति के साथ थी, इस दौरान भी हमने उसका पूरा मीडिया में प्रचार प्रसार किया, एक पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचाई और इसका समाज पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा। परिवार सभा जो नौगांव में होती है हर गुरुवार को, उसमें भी कभी कभी जुड़ने का हमें मौका मिलता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बेसहारा होते हैं, टूटे हुए परिवार हैं, वो भी हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारी कुछ मदद करें। तो यूएचबी लिविंग सेंटर में उन टूटे हुए परिवारों को जोड़ने का प्रयास अभी भी जारी है, कुछ परिवार वहां पर पहुंचते हैं और आदरणीय भगवान सिंह परमार जी द्वारा उनका दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन किया जाता है। इतनी ही बात मैं रखना चाहूंगा, और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी हम यूएचबी से या यूएचबी के सेशन से नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो आर्थिक संकट और परिवार के निर्वहन की व्यस्तता के कारण ऐसा होता है, कभी कभी ध्यान नहीं उस पर जा पाता है। लेकिन मैंने जो एक बात कही है कि इस वायुमंडल में जितनी वायु है, जितनी हवा है, उन सभी में यूएचबी के वो कण हैं जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। कभी कभी हम कुछ मिनट, कुछ सेकंड या आधे घंटे के लिए भले ही हम दूर हो जाएं,
लेकिन फिर वो ऑक्सीजन रूपी जो यूएचबी है वो हमें फिर से बताती है कि हमें संबंध में, व्यवस्था में, सहस्तित्व में रहना है, इसका अभ्यास करना है। इतनी ही बात मैं कहूंगा। अंत में सभी को धन्यवाद, यूएचबी परिवार को धन्यवाद जो हमें इतना अच्छा मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। लेकिन मैं भी कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें गाइड करें। भैया ओवर टू यू। जी बहुत ही बढ़िया शेयरिंग भैया, अजय भैया, सब थैंक यू सर। लोग कृतज्ञ हैं इस तरह की शेयरिंग के लिए जो आज आपने की है। जिस तरह थैंक से आपके जीने में परिमार्जन हुआ है, जिस तरह से आप अभ्यास एक और दो को भी गंभीरता पूर्वक कर रहे हैं, परिवार सभा में बैठकर परिवार के निर्णय ले रहे हैं, पत्रकारिता में जिस तरह का आप एक गुणात्मक परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारे ही बिंदु जो आपने रखे हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। और भगवान भैया का भी कहना ठीक है कि आप में जिस तरह की संभावना है उसका कम ही सदुपयोग कर पा रहे। इनफैक्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है, और आप जैसे कुछ और साथी हों तो मिलकर इसमें एक ठोस कार्यक्रम बनाया जा सकता है। पत्रकारिता की जो शिक्षा हो रही है उसमें कुछ ऐसे इनपुट्स दिए जा सकते हैं, तो आप उस दिशा में भी थोड़ा सोचेंगे कैसे पत्रकारिता की जो शिक्षा हो रही है उसमें इस कोर्स को शामिल किया जाए, और कैसे अन्य कोर्सेज में भी जो पॉजिटिविटी है जिसकी आप बात कह रहे हैं, है ना, उसको शामिल किया जाए। तो जो जगदीप भाई प्रश्न कर रहे थे और आपने बढ़िया उसका, है ना, उत्तर भी दिया कि किसी भी अगर ऐसी घटना है जो हृदय विदारक है उसको भी हम कैसे ऐसे रखें ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, लोगों के अंदर एक सकारात्मक सोच या एक इस तरह के मुद्दों पे ध्यान जाए कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इससे बाहर निकलने की जरूरत है। कई बार ये होता है कि उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, उसको काफी मिर्च मसाला लगाकर जैसे लोग लिखते हैं, उससे एक बहुत ही निगेटिविटी फैल जाती है और लोग बहुत निराशा में आ जाते हैं। उसके बजाय लोगों को लगे कि हाँ ऐसे घटनाएं हो रही हैं और इससे मनुष्य बाहर निकल सकता है ना, इसके लिए लोगों की सोच में परिवर्तन होने की जरूरत है। तो बहुत ही सारे मुद्दों पे आपने बात रखी और बहुत ही प्रेरणादायक रही, और थोड़ा सा अगर आपकी व्यस्तता कहीं बीच में बढ़ जाती है तो एक अलग बात है, अन्यथा आप देखेंगे कैसे आप और भागीदार हो सकते हैं। जो वीकली मीटिंग्स होती हैं अगर उसमें आप जुड़ पाए, ऑनलाइन मीटिंग्स ही होती हैं, आप कहीं भी हो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं तो जी बढ़िया रहेगा, एक पूरे ग्रुप के साथ कनेक्ट भी रहेगा आपका। जी, और ऑलरेडी आप कर रहे हैं काम अभ्यास एक और दो को लेकर, है ना, उसमें भी कुछ और गहरे संस्कारों में आप जाएं तो जो भी हमारे अंदर विरोध का जो छोटा रूप होता है, कहीं कहीं हमारे अंदर इंटरनल रिएक्शन चल रहा होता है उसके लिए, नहीं तो इरिटेशन चल रहा होता है, उन सब चीज़ों से भी निकल सकते हैं। तो बहुत अच्छी संभावना है भैया, इस पर आप ठीक से काम करें, है ना, और मॉर्निंग सेशंस को आप रेगुलरली अटेंड करते रहें। आपको सुबह में समय तो मिल जाता है रोज अटेंड करने का या व्यस्तता हो जाती है? जी जी भैया, मिल जाता है कभी कभी, जैसे किसी आउट ऑफ विलेज में है तो जहाँ नेटवर्क नहीं है तो वहाँ नहीं हो पाता, बाकी अच्छा मैक्सिमम जुड़ जाते हैं। जी, बढ़िया भैया। और जो परिवार सभा के लिए जगदीश जी आप प्रश्न कर रहे थे, तो हम लोग जब समाज की व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें हम 10 स्टेप्स ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात करते हैं, फैमिली, फैमिली क्लस्टर, फिर विलेज, है ना, एंड सो ऑन। तो 10 लोगों का एक परिवार, फिर 10 परिवारों का एक फैमिली क्लस्टर परिवार समूह, फिर 10 परिवार समूहों से ग्राम। तो जिस भी स्तर पर हम जीते हैं वहाँ हम साथ बैठकर आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं, इसको ही सभा कहा गया है। तो परिवार सभा भी है, परिवार समूह सभा भी है, फिर ग्राम सभा भी है, तो ये कोई नई बात नहीं है, है ना। हम लोग ऐसे भी परिवार में बैठकर बहुत सारे निर्णय साथ साथ लेते ही हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण सुबह की शेयरिंग में आए भी हैं, तो वही बात है। और इसमें हम देखें कि हम जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर हम कॉलेज में हैं तो कॉलेज में भी हम एक सभा बनाकर निर्णय लें, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उस तरह से काम करें, ना कि एक तरफ से हम डिक्टेट करें दूसरे हमको ओबे करें। परिवार में भी हम उस प्रकार से चल पाए, हर एक व्यक्ति को अपने भाव विचार सामने रखने का हम अवसर दें, उसको हम समझें, वहां अपना अपनी बात भी जब रखनी तो प्रस्ताव के रूप में रखें। तो ये संभावना तो हमें जीने के हर स्तर पे मिलता है, तो अपने को ठीक से काम करने की जरूरत है। इसको हमने कई बार सुबह के सत्र में ध्यान भी दिलाया है कि परिवार में हम सभा पूर्वक निर्णय ले पा रहे हैं कि नहीं, साथ में बैठ पा रहे हैं कि नहीं, कॉलेज में काम कर रहे हैं क्या हम, अगर एचओडी हैं, डायरेक्टर हैं, डीन हैं,
तो क्या हम सारे फैकल्टी को साथ लेकर निर्णय ले रहे हैं, या हम एक तरफ से निर्णय लेकर उनको सुना दे रहे हैं? हम कहीं कॉलोनी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, तो किसी के वर्चस्व से निर्णय लिए जा रहे हैं, या हम साथ बैठ कर निर्णय ले रहे हैं? तो इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं भैया, बधाई।